हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल ई ज्ञान स्कूल। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर भी ली हैं इसमें, जैसे अगर आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन की बात करें या एटॉमिक मॉडल्स की बात करें, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एटॉमिक मॉडल क्या है और थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या थे और उनकी लिमिटेशंस क्या थी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आफ्टर द एटॉमिक मॉडल आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पोजीशन दे चुके थे कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे हम, प्रोटॉन को कहाँ जगह देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ डाउट हमारे मन में आने लगे जब एटॉमिक मॉडल कि अगर हम बात करें रदरफोर्ड मॉडल की, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी भी एटम के मास की बात करें तो वो एटम का जो मास है वो केवल प्रोटॉन की वजह से ही है जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ डाउट जनरेट होने स्टार्ट हो गए। वो डाउट्स क्या थे, आज सारी डिस्कस हमें करना है इस लेक्चर के अंदर, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर आप अब की बात करें तो अब हमें पता है कि कहाँ हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जगह दी है, क्योंकि अब सारी चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं कि किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ जगह दी गई है, वो सारी चीज़ें अब हमें पता है। लेकिन अगर हम पीछे की बात करें, जब ये चीज़ें डिस्कवर हो रही थी तो सारी चीज़ें नहीं पता थी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजिशन तो हम फिक्स कर चुके थे, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे भी था जो एक न्यूट्रल पार्टिकल था और उसका कुछ ना कुछ रोल था न्यूक्लियस के अंदर, और वो रोल क्या था, डाउट क्या थे और उस डाउट को किसने क्लियर करा, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेनली जो आज का टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर ही है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के पीछे वजह क्या रही, लोगों ने क्यों सोचा कि कोई अदर पार्टिकल भी हमारे एटम के पास है या एटम उस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उससे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करें तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी न्यूक्लियस में, ठीक है, वही क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर को अगर हम यहाँ क्लेरिफाई करें तो आप ये लिख सकते हैं, द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is known as atomic number। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हमें डिस्कस करना है, मेनली कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किस टाइप से हुई है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर कुछ, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जगह दी गई रदरफोर्ड मॉडल में, हालांकि रदरफोर्ड का मॉडल कुछ ठीक था, कुछ लिमिटेशंस थी, वो बात अलग है। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है और जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करते रहते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बोलते हैं। तो सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो गई थी, लेकिन एक डाउट ये था कि अगर मास केवल उस प्रोटॉन की वजह से ही है तो कुछ चीज़ें एग्जैक्ट इक्वल आनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें क्या किया गया उस टाइम, हीलियम एटम और हाइड्रोजन एटम के मास का कंपेरिजन किया गया। किस किस के मास का, हीलियम के मास का और हाइड्रोजन के। ठीक, तो अगर आप हीलियम की बात करें तो उन्होंने क्या करा, एक अगर हम कंपैरिजन करें, एक तरफ उन्होंने क्या रखा, हीलियम एटम को रखा, एक तरफ हमने क्या रखा, हाइड्रोजन एटम, इधर क्या रखा हमने, हाइड्रोजन, और यहाँ रखा हमने हीलियम। ठीक, अब क्या कहा था, अगर हम उस मॉडल की बात करें तो कहा गया था कि जो मास है वो प्रोटोन की वजह से ही है। ठीक, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं, 1 प्रोटॉन है, तो अगर आप इसके मास की बात करें तो 1 amu होना चाहिए।
ठीक। और अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 प्रोटॉन है इसके अंदर। अगर 2 प्रोटॉन है तो इसका मास 2 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम के मास का कंपैरिजन करें तो हीलियम का मास डबल होना चाहिए किसका, हाइड्रोजन के मास का। तो जब कंपैरिजन किया गया तो क्या यही चीज़ आई या कुछ अलग आया, वही हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इधर हीलियम का एक एटम रखा और इधर हाइड्रोजन के 2 एटम रखे। और अगर रियल में ही मास केवल प्रोटॉन पर डिपेंड करता है तो 2 हाइड्रोजन का मास 1 हीलियम के एटम के मास के क्या आना चाहिए था, इक्वल, जो नहीं आया। वेइंग मशीन में दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आई, 2 हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 हीलियम के एटम के मास के इक्वल नहीं आया। लोगों के मन में यहाँ से डाउट जनरेट होने स्टार्ट हो गए, लोगों के मन में डाउट आए, वो सोल्व करे कर पाए या नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन यहाँ से ही डाउट स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। फिर क्या करा, अब अगर हम इससे आगे की डाउट की बात करें तो फिर क्या किया गया कि इसमें दोबारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने फिर से मास को कंपेरिजन किया। इस बार क्या किया उन्होंने कि इधर तो उन्होंने 4 हाइड्रोजन रखे, हाइड्रोजन के एटम, और इधर उन्होंने 1 हीलियम का एटम लिया। ये हीलियम का एटम है और ये किसके एटम है, हाइड्रोजन के। एक तरफ आपने हाइड्रोजन के एटम रखे और एक तरफ आपने क्या रखे, हीलियम एटम। तो ये देखा गया कि जो 4 हाइड्रोजन एटम है उनका जो मास है वो एक, क्या कहा कि जो 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो 1 हीलियम के एटम के मास के बराबर है। इसका मतलब कि जबकि हीलियम में तो 2 ही प्रोटॉन है तो मास कितना होने चाहिए था, 2 mu, मतलब वो 2 हाइड्रोजन से ही कंपेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन मास कितना आया, अगर वो 4 हाइड्रोजन के इक्वल आया तो इसका मतलब उसका मास कितना है, 4 amu। 2 amu तो किसकी वजह से है, 2 प्रोटॉन है, तो फिर जो 2 यूनिट एक्स्ट्रा मास है वो किस पार्टिकल की वजह से है, उसकी डिस्कवरी स्टार्ट हो गई फिर, क्योंकि 4 amu है हीलियम का मास जो है, है ना, 2 तो प्रोटॉन की वजह से है, 2 amu जो एक्स्ट्रा यूनिट है, 2 amu वो किसकी वजह से आई है, वो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से आई है। और वो पार्टिकल है कौन, इसका जो श्रेय जाता है वो जेम्स चैडविक ने उसके ऊपर डिस्कवरी स्टार्ट की, ठीक है। उससे पहले एक डाउट और था, उसे भी सीखेंगे कि अगर एटम का जो मास है वो केवल प्रोटॉन पर ही डिपेंड करता तो चीज़ें उसी टाइप की होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं मिला। तो वो डाउट क्या था वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप कुछ एटम लें और उनके एटॉमिक नंबर लें, एक तरफ हमने लिए एटम, यहाँ लिया हमने एटॉमिक नंबर, और एक तरफ लेंगे उसका मास। तो अगर आप यहाँ पर हीलियम लें, एक लिया आपने लिथियम और एक लिया आपने बेरिलियम। हीलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम की बात करें तो 3 है, और बेरिलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है, 4। लेकिन है क्या, अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और आप जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन पर ही डिपेंड करता है, अगर हीलियम के पास 2 प्रोटॉन थे तो उसका जो मास था वो 2 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि ये कहा गया था कि जो मास है वो केवल प्रोटॉन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई तब तक ये माना जाता था कि न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, केवल प्रोटॉन। तो मास भी किसकी वजह से होना चाहिए था, प्रोटॉन की। लेकिन अगर आप हीलियम के मास की बात करें तो कितना है, 4। ऐसे ही लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और एटॉमिक नंबर केवल प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि हमें पता है कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल होते हैं तीनों चीज़ें। तो अगर इसमें 3 एटॉमिक नंबर है इसका तो 3 ही प्रोटॉन है, तो मास भी कितना होना चाहिए था इसका, 3 amu, लेकिन जो मास है वो कुछ और निकल के आता है और वो है आपका 7 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे ही बेरिलियम की बात करें तो 4 प्रोटॉन है, और 4 प्रोटॉन की वजह से जो मास है वो 4 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो मास है वो कितना आता है, 9 एटॉमिक मास यूनिट। तो प्रोटॉन से मास कुछ एक्स्ट्रा है, 2 प्रोटॉन है, मास कितना है, 4 amu, 3 प्रोटॉन है, मास कितना है, 7 amu, 4 प्रोटॉन है, मास कितना है, 9 amu। इसका मतलब
कि केवल प्रोटॉन की वजह से जो मास है वो केवल प्रोटॉन पर ही डिपेंड नहीं करता, कोई अदर पार्टिकल भी है जिसकी वजह से मास कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पर 2 यूनिट एक्स्ट्रा मास आ रहा है, यहाँ पर 4 यूनिट एक्स्ट्रा मास है और यहाँ पर 5 यूनिट एक्स्ट्रा मास है। तो ये भी एक डाउट था उस टाइम कि एटॉमिक नंबर पर ही अगर हम बात करें कि मास केवल एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन पर डिपेंड करता है तो उसका एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जेम्स चैडविक ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस हाइड्रोजन को छोड़कर मास हमेशा एटॉमिक नंबर से क्या आ रहा था, ज़्यादा। भाई यहाँ एटॉमिक नंबर 2 है, मास कितना आ रहा है 4, यहाँ एटॉमिक नंबर 3 है, मास कितना आ रहा है 7, यहाँ एटॉमिक नंबर 4 है, मास कितना आ रहा है 9, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम था जिसका मास एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर के ही इक्वल था। अगर आप इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1 है, और इसके मास की बात करें तो इसका मास भी कितना है, 1 amu। तो मोस्टली केसेस में क्या पाया, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके जो एटॉमिक जो मास है वो एटॉमिक नंबर से क्या है, ज़्यादा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेम्स चैडविक ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने बेरिलियम के एटम पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, और बम्बार्डिंग कराने के बाद उन्होंने देखा कि इस प्रोसेस के दौरान जो उनका एक्सपेरिमेंट था, एक न्यूट्रल पार्टिकल वहाँ से इमिट हुआ, बाहर निकला, और वो न्यूट्रल पार्टिकल को ही उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज 0 होता है और उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के ही इक्वल है। तो फिर तो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर किया था वो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। तो एक तो कन्फ्यूजन ये था, अब इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने सभी डाउट्स की क्या करी, उन्होंने स्टडी की, और स्टडी करने के बाद क्या पाया उन्होंने, आप ये लिख सकते हैं कि ये लिखा जा सकता है इसमें कि इट हैज बीन फाउंड दैट इन मोस्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन द मास इज मोर देन द एटॉमिक मास इज मोर देन द एटॉमिक नंबर। यही प्रॉब्लम थी कि हाइड्रोजन को छोड़कर जो मास आ रहा था वो किससे ज़्यादा था, एटॉमिक नंबर से ज़्यादा था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जेम्स चैडविक परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट बाय द बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम एटम। उन्होंने क्या करा, अपना जो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग थी वो किसके ऊपर कराई, बेरिलियम एटम के। और जब ऐसा कराया उन्होंने तो कुछ नई चीज़ मिली, वो था क्या, अगर आप इसे रिएक्शन के थ्रू दिखाएं तो 4 बेरिलियम 9 ये बेरिलियम का एटम है, और आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, आप हीलियम के एटम को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जब इस बेरिलियम के एटम पर जब ये बम्बार्डिंग कराई गई तो क्या हुआ, जो बेरिलियम का एटम था वो तो कार्बन में चेंज हुआ और यहाँ से एक न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकला जिसे रिप्रेजेंट इस टाइप से हम करते हैं 0N1 से, और इसी 0N1 को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। ये जो सिंबल है वो किसका है, न्यूट्रॉन का है, जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। और अगर आप इसके चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज किसके इक्वल होगा, इसका जो चार्ज है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल था
जो डिस्कवर किया गया कुछ डाउट्स की वजह से। डाउट्स क्या थे कि मार्स एटॉमिक नंबर से ज़्यादा आ रहा था, वो ज़्यादा क्यों था, वो सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आ गई। तो फिर इसके बाद एटम की एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप की गई, वो न्यू स्ट्रक्चर क्या थी ये बोला गया। फिर कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो लगभग मोस्टली सही था, ठीक है, और उसमें जो न्यूक्लियस था उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस में केवल प्रोटोन है और जो मास है मोस्टली वो प्रोटोन की पर ही डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट था जिसका मास प्रोटोन के मास के इक्वल है और चार्ज उस पर जीरो है, इसी की वजह से वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल इसे बोल सकते हैं। तो एटम तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पहला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। ये आपको याद रखने हैं, इनकी डिस्कवरर है, याद रखने हैं कि किसने इनकी डिस्कवरी की है, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब कि जब एटॉमिक मास नंबर क्या है, फिर अगर एटॉमिक नंबर तो हमने डिस्कस कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में उसे क्या बोलते हैं आप एटॉमिक नंबर। तो अगर आप मास नंबर की बात करें तो मास नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर आप सम कर दें तो उसे ही क्या बोला जाता है मास नंबर, उसकी बात करते हैं। तो मास नंबर क्या है, किस सम है वो, किस किस का, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, मास नंबर। मास नंबर की हम बात करें अगर तो मास नंबर क्या है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर, इज नोन एज मास नंबर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो आप जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो कैसे निकालेंगे आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, अगर सपोज आपके पास कोई एटम है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया, कोई एटम है एक्स, ये एटॉमिक नंबर है और ये जेड है सपोज, और ये हमारा एक्स। तो अगर आप एक्स में से ए को घटा दें, मतलब जो एटॉमिक मास है अगर आप उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप, एक्स माइनस ए, इस टाइप से निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, अगर एटम का रिप्रेजेंटेशन ये है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के जो बॉटम में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ए, और अगर आप दोनों को ऐड कर दें तो क्या जाएगा आपका मास नंबर, ठीक। अब यहाँ से जब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास या मास नंबर डिस्कवर हो गए, जब उनकी डेफिनेशन हम इंट्रोड्यूस कर दी, तो इसके बाद कुछ चीज़ें आई, कुछ छोटी छोटी टर्म है जैसे आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोबार क्या हैं और आइसोन्यूट्रॉन क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में कि आइसोटोप क्या है और उनके एग्जांपल क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आइसोटोप्स के बारे में, और आइसोटोप्स की अगर आप बात करेंगे किसी भी एटम के या किसी भी वो एटम में अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, और उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं तो उस टाइप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं आप, आइसोटोप्स, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं आप एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम ये होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक मास
है ना, अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है किसी भी एटम के सेम एलिमेंट की, तो उन्हें क्या बोलेंगे आप आपस में, आइसोटोप। जैसे अगर आप बात करें एग्जांपल में, से हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं जिनका सिंबल ये है 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, तीनों का ही क्या है, 1। ठीक, 1H1 को आप प्रोटॉन बोलते हैं, 1H2 को आप ड्यूटेरियम बोलते हैं और 1H3 को आप ट्राइटियम बोलते हैं। ये तीनों ही किसके आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के। 1H1 को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। 1H2 को ड्यूटेरियम और ये होता है हमारा ट्राइटियम। तो ये तीन आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलेंगे आप, आइसोटोप। इसके अलावा अगर आप कार्बन के आइसोटोप की बात करें, तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन, कार्बन 6, 14, जैसे इसे कार्बन 12 बोला जाता है और इसे कार्बन 14, ये भी क्या है, दोनों आपस में आइसोटोप हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी एटम के सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उन्हें क्या बोलेंगे आप, आइसोटोप। तो ये एग्जांपल थे आइसोटोप्स के, ध्यान रखना जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलेंगे आप, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स जितने भी होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। अगर आप इन तीनों की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी नियरली सेम होगी, और कार्बन 12 और कार्बन 14 की बात करें तो प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो नियरली क्या होंगी, सेम। तो ये तो था आपका आइसोटोप। इसके अलावा अगर हम बात करें आइसोबार की, आइसोबार्स की बात करें अगर, तो आइसोबार्स में क्या है कि ये किसी एटम किस डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे, जहां एटॉमिक मास तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट। तो आप ये लिख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या हैं, एटम्स हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मास, विच हैव सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनके पास क्या होगा, सेम एटॉमिक मास होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज आइसोबार। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें यहाँ, तो कैल्शियम 20, 40, आर्गन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 18 है और एटॉमिक मास कितना है, 14। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम है। ऐसे एलिमेंट्स को आपस में क्या बोलेंगे आप, आइसोबार। और आइसोबार की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर आप कैल्शियम और आर्गन की बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसके बाद एक टर्म और आती है यहाँ पर, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोन का मतलब है कि यदि आपके पास एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो, एटॉमिक मास भी डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम है, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे आपस में आप, आइसोटोन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोज एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास, उनको क्या बोलेंगे आप, आइसोटोन। एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे एक है हमारे पास कार्बन 6, 14, एक है हमारे पास नाइट्रोजन 7, 15, एक है हमारे पास ऑक्सीजन 8, 16। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आप, इस एटॉमिक मास से क्या कर दें, एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, तो कितना आएगा,
8, यहाँ पर भी कितना आएगा 15 में 7 जाएंगे 8, और यहाँ पर भी कितना आएगा 8। तो यदि किसी किन्हीं एलिमेंट में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो उन्हें आपस में क्या बोलेंगे आप, आइसोटोन। इसके अलावा आइसोइलेक्ट्रॉनिक टर्म भी है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का भी केवल क्या मतलब है, यदि किन्हीं दो एलिमेंट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइसोटोप्स में सेम हो सकते हैं क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर क्या है, इक्वल होते हैं। तो अगर दो एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उन्हें बोला जाता है। तो कुछ छोटी छोटी टर्म थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेन जो आज का टॉपिक था वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर ही था कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किस तरीके से लोगों ने सोचा कि एक अदर पार्टिकल भी है जो एक एटम का ही पार्ट है, जिसे बाद में एटम का सबएटॉमिक पार्टिकल भी कहा गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा जो चीज़ें बची हुई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से एक धन्यवाद भी बोलना था कि आप लोगों के सपोर्ट से हमने अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, और इस पूरे कराने में आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है। अगर इसी तरीके का सहयोग अगर आप बनाए रखेंगे तो हम और बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पर जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट।